11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों के कुपोषण के निदान को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण उन्मूलन का प्रोटोकॉल दिया। इस पूरे इवेंट को कवरेज देने के लिए खबरदार न्यूज को भी आमंत्रित किया गया, जहां खबरदार न्यूज ने बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाई और विज्ञान भवन में हुई पत्रकार वार्ता में हमारे पत्रकार आशीष ने एमपी में होने वाले इलेक्शन को लेकर स्मृति ईरानी से कई सवाल किए, जिसका जवाब स्मृति ईरानी ने ठीक ठाक ही दिया। द खबरदार न्यूज के साथ हुए इस खास बातचीत में हमने एमपी इलेक्शन पर बहुत सी चर्चाएं की और साथ ही स्मृति ईरानी को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। The tracker was devised during lockdown, made during the lockdown, and between making the tracker and deploying it across 13 lakh Anganwadis, the government of India took only 3 months. एक वक्त होता था जब सरकारें कहती थी अच्छा ठीक है भाई हमें देखना है कुपोषण घटाना है, कुपोषण घटाने की बात कर रहे हैं लेकिन कुपोषण को मेजर कैसे करें, मेजर करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर आंगनबाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस हो, हर आंगनबाड़ी बहन के हाथ में मोबाइल फोन हो। जोश और खरोश के साथ कई लोगों ने मोबाइल फोन वितरित किया भारत सरकार के सौजन्य में से। फिर आंगनबाड़ी की दीदी मिली, उन्होंने कहा ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, बोला है ना। हाँ तो आज मैं बता दूं, क्योंकि आपने मुझे बोला तो हमने क्या किया, हमने अब प्रदेश सरकारों से कहा भाई 5G का जमाना है, आंगनबाड़ी दीदी को 5G वाला फोन दिया जाए। लेकिन ये भी व्यवस्था कि आज तो स्मृति जी और महेंद्र भाई हैं, कल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो हर 4 साल में फोन बदला जाए वो व्यवस्था भी छोड़ दे। फिर कुछ आंगनबाड़ी बहनों ने कहा कि भाई वजन का कांटा है, आया था अब टूट रहा है, इसको कैसे देखें, वहां पे कैसे सर मिला रहा। तो मैंने, महेंद्र भाई ने, पांडे जी ने बैठकर ये व्यवस्था कर दी कि आपके जितने भी ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भारत सरकार ने दिलवाए हैं उनका अपग्रेडेशन, उनका रिप्लेसमेंट या उनकी सर्विसिंग की एक प्रॉपर व्यवस्था हम करके आपको दे दें, वो भी दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।